हाँ तो गुरु, फाइनली मैंने शज़ैम 2 देख लिया है। अगर एक वर्ड में इस मूवी के बारे में बोलूँ तो डीसी की तरफ से बनाई गई एक अच्छी टाइम पास मूवी है, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाकर देख सकते हैं और इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इस मूवी को इग्नोर भी कर देते हैं तो आप कुछ ज़्यादा मिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये मूवी डीसी के यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है और आगे जाकर कनेक्ट भी नहीं होगी। हमें तो ये भी नहीं पता इस मूवी के बाद आगे इसके पार्ट्स आएंगे भी या नहीं। अगर इस मूवी के आगे पार्ट्स नहीं आने वाले तो इन लोगों के पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिससे ये मूवी को एक अच्छी एंडिंग दे सकते थे। उस अपॉर्चुनिटी की बात करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये हैवी स्पॉइलर है। जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है और स्पॉइलर नहीं चाहते हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनको स्पॉइलर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे कंटिन्यू करें। मूवी के एंड में दिखाया गया है शज़ैम के सभी भाई बहनों के पास जो पावर थी वो चली गई है, और एंड के बैटल में शज़ैम भी, यानी कि जो बिली बैटसन है, वो भी मारा जाता है। अगर डीसी वाले इस मूवी को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक परफेक्ट एंडिंग की, जहां वो सुपर हीरो खत्म हो गया, दुनिया भी बच गई है। लेकिन नहीं, जैसा कि जैकी लिवाई ने बताया है बहुत सारे इंटरव्यू में कि उनका कैरेक्टर डीसी के फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, और वंडर वुमन को भी लेकर ये कहा गया है कि वंडर वुमन भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। पर जेम्स गन ने इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं की अभी तक कि हमें आगे ये सब देखने को मिलेगा भी या नहीं। खैर, वंडर वुमन से याद आया, मूवी के रिलीज होने से पहले ही वंडर वुमन का जो कैमियो था वो हम सभी के लिए लीक कर दिया गया था। मैं इसे कर दिया गया ही बोलूंगा, क्योंकि वो जो पिक्चर लीक हुई थी, मुझे तो पिक्चर ही देखने को मिली थी, वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में थी। और मैं 100% श्योर हूँ कि इसे स्टूडियो वाले ने ही लीक करवाया था, क्योंकि इस मूवी की कोई हाइप नहीं थी। तो क्या आप लोगों को ये मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं? तो जिन लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर्स, टीजर, प्रमोशन मटेरियल और लीक्स देखे हैं, उन लोगों ने समझ लो 80% मूवी देखी हुई है। हालांकि मैंने इसका पहला ही ट्रेलर देखा था, उसके बाद मैंने इस मूवी का कुछ भी नहीं देखा था। बट हाँ, वो वंडर वुमन का लीक मेरे पास भी आ गया था, तो मेरे लिए वो उतना ही स्पॉइल हुआ था। बाकी बात रही मूवी की, तो हाँ, मैंने वो काफी ज्यादा एंजॉय किया। मूवी के एक्शन सिक्वेंसेस काफी सही थे, उसके साथ जो यूज किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफी ज्यादा तगड़ा था। इस मूवी में जितने भी कॉमेडी एलिमेंट यूज किए गए हैं, आधे से ज्यादा तो ट्रेलर में हमको दिखा दिए गए थे, और जो मूवी में हैं, जो नहीं दिखाए गए थे, वो 50% से ज्यादा तो काम करते हैं और बाकी सब मिस भी हो जाते हैं। कुछ कुछ जोक्स काफी ज्यादा अच्छे थे। हालांकि मैंने ये मूवी हिंदी डब में देखा और इसका हिंदी डबिंग मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके नाम शक्तिमान थे। मतलब हिंदी डबिंग में बॉलीवुड और इंडिया से रेफरेंसेस डाले गए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। बट वो बिली बैटसन के ड्रीम में जब वंडर वुमन आती है वो वाला सीन, और लास्ट में जो वंडर वुमन और शज़ैम के बीच में जो कन्वर्सेशन दिखाया गया था वो काफी ज्यादा फनी था। मतलब मेरा हंस हंस के पेट दर्द करने लगा था। वो अपने से कितने बड़ी उम्र के सुपर हीरो को लाइन मार रहा था, जहाँ पे वंडर वुमन बोलती है कि दुनिया को बचाओ बच्चू, और शज़ैम बोल रहा था हम दोनों के पास ज्यूस के पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भाई बहन है। और भी काफी चीजें थी। बात हो रही हो डीसी की मूवी की या मार्वल की मूवी की और सीजीआई वीएफएक्स के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इस मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स के बारे में बात करो तो आपको देखते वक्त पता चल जाता है, मतलब सीजीआई और वीएफएक्स काफी ज्यादा ऊपर नीचे हैं, जो कि बहुत आसानी से नोटिस हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो यूनिकॉर्न वाला सीन, स्पेशली जब वो लोग दौड़ रहे होते हैं। अगर आपको नहीं मूवी देखा है तो देखते वक्त नोटिस कीजिएगा उनके नीचे का जमीन, मतलब यार वो सीन देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थे। अगर आप लोगों ने मूवी देख लिया है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखा है तो भी बताइए, क्या आप लोग ये मूवी देखने जाएंगे या नहीं? और हाँ, डीसी की तरफ से फ्लैश बहुत जल्द आने वाली है, क्या आप लोग उस मूवी को लेकर एक्साइटेड है? क्योंकि मैं तो उस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं था, बट जब उसका ट्रेलर आया उसको देखने के बाद मैं अभी तो उस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। इस मूवी से भी ज्यादा मैं उस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। खैर, जब वो मूवी आएगी तो उस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ हो सकता है शेयर भी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। चलो अब बाय।